दिन ब दिन हमारी दुनिया बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन से बाहर हो रही है। अभी तक बिजली उत्पादन करने के लिए 40% प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है और सिर्फ 53 इयर्स तक ही हम प्राकृतिक गैस, 50 इयर्स तक ऑयल और 114 इयर्स तक कोयले का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे हालात में सिर्फ सोलर एनर्जी ही हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। रिसर्चर्स के अनुसार हर घंटे 430 क्वांटिलियन जूल्स एनर्जी पृथ्वी से टकराता है और एक साल में पृथ्वी के सभी इंसानों द्वारा 410 क्वांटिलियन जूल्स एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा सोचिए, अगर हम सूरज के एनर्जी को कैद करके इस्तेमाल कर पाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारे पास कभी एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी और उसके साथ साथ प्राकृतिक प्रदूषण भी बहुत कम हो जाएगा। पर सूरज के एनर्जी को कैसे कैद किया जा सकता है? तो इसका जवाब है डायसन स्फीयर से। डायसन स्फीयर एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जो एक पूरी स्टार को घेर के रखता है और इससे उत्पादित बिजली का एक बड़ा पर्सेंटेज को कैप्चर करता है। इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट 1937 में ब्रिटिश फिलोसोफर विलियम ओलाफ स्टेपलडन अपने साइंस फिक्शन नॉवेल स्टार मार्कर में बताए थे। देन 1960 में अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन उनके रिसर्च पेपर्स सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्सेस ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन में इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किए थे, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। फ्रीमैन डायसन इसको आर्टिफिशियल बायोस्फीयर के नाम से डिस्क्राइब किए थे, लेकिन बाद में इसके राउंड शेप और फ्रीमैन डायसन के नाम पर इस स्ट्रक्चर का नाम डायसन स्फीयर रखा गया। फ्रीमैन डायसन के मुताबिक कोई बहुत ही एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन उनकी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि उनकी सिविलाइजेशन एडवांस और उनकी पॉपुलेशन हमसे कई गुना ज्यादा होने की वजह से उनकी एनर्जी की जरूरत भी बहुत ज्यादा होगा। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इवन फ्रीमैन डायसन उनके रिसर्च में ये भी मेंशन किए कि अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन यूनिवर्स में लंबे समय के लिए एग्जिस्ट करना चाहता है तो उनकी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए डायसन स्फीयर बनाने का अवधारणा और तकनीक को हासिल करना ही होगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि डायसन स्फीयर तो एक काल्पनिक स्ट्रक्चर है, तो क्या इसको बनाना संभव है? डायसन स्फीयर बनाने के लिए हमें इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड करना होगा: डिजाइन, मटेरियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और लॉन्च। डायसन स्फीयर को परफेक्टली बनाने के लिए इसे छोटे छोटे हेक्सागन सैटेलाइट से बनाना पड़ेगा, जो सूरज के चारों ओर ट्विस्टिंग और स्वर्लिंग मोशन में ऑर्बिट करता रहेगा। ये सैटेलाइट एक मिरर की तरह काम करेगा और उत्पन्न ऊर्जा को डायरेक्टली अर्थ में मौजूद किसी एनर्जी स्टोरेज सेंटर में ट्रांसमिट यानी संचारित करेगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मान के चला जाए तो सूरज को स्फेरिकल शेप में कवर करने के लिए कम से कम 40,000 करोड़ सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगा और इतने सैटेलाइट्स को बनाने के लिए करीबन 10^18 टन्स मटेरियल्स का जरूरत होगा, जिसके लिए हमें किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसके अलावा भी मशीन्स को चलाने के लिए और सूरज के चारों ओर सैटेलाइट्स को सेटअप करने के लिए हमें अनलिमिटेड एनर्जी की जरूरत होगा। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अगर हमारे धरती में मौजूद सारे एनर्जी रिसोर्सेज को इकट्ठे भी इस्तेमाल किया जाए, फिर भी डायसन स्फीयर बनाने के लिए वो कम पड़ जाएगा। मतलब हमें कहीं और से एनर्जी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ऐसे मशीन्स और सैटेलाइट को बनाने के लिए हमें उतना ही एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगा और इतनी सारे सैटेलाइट को लॉन्च करके सूरज के पास एग्जैक्ट लोकेशन में स्थित करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हमें और भी ज्यादा प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो सिंपली अभी हम डायसन स्फीयर बना नहीं सकते, इसके लिए हमें और भी ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा और शायद तब हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में सफल हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद मिस्टीरियो। जय हिंद।